हर में हर मन में राम। न्यूज 18 नेटवर्क ने खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा और इस रामयुग के लिए थीम सॉन्ग तैयार किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज की तारीख याद रख लीजिए, 22 जनवरी 2023, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के दर्ज होने वाली है वो घटना जिसका इंतजार 500 साल से ज्यादा से हो रहा था। चप्पे चप्पे पर खूबसूरती से सजाया गया है अयोध्या को। अयोध्या में जब आप एंट्री करेंगे तो फूल मालाओं की झालरें हर ओर आपको नजर आएंगी, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो डिवाइडर्स हो। और इसके अलावा जब आप राम पथ और भक्ति पथ पर आएंगे तो एंट्री के साथ ही सूर्यवंशी सम्राट भगवान श्री राम जिस वंश से आते थे उसकी पहचान के लिए सूर्य स्तंभ आपके स्वागत के लिए होंगे। आज खास तौर पर सड़क के दोनों ओर मंच भी बनाए गए हैं जहां पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति शुरू कर चुके हैं। राम रंग में रंगी अयोध्या आज भारत की संस्कृति और कला का प्रदर्शन भी देखती नजर आएगी। हर तरफ राम धुन सुनाई दे रही है और इस बीच वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला राम मंदिर में शुरू हो चुका है। निमंत्रण कार्ड देकर सभी को राम मंदिर में एंट्री दी जा रही है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं या खास मेहमान हैं जो हनुमानगढ़ी पहुंचे उसके बाद राम मंदिर जाएंगे। बहुत से लोगों ने कल ही हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए थे लेकिन राम मंदिर में एंट्री जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपडेट ये है कि वो सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। 12:05 से लेकर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और उसके बाद 50 मिनट तक चलने वाली इस पूजा के बाद पुष्प वर्षा करवाई जाएगी राम मंदिर पर। 2:05 पर प्रधानमंत्री मोदी कुबेर टीला के भी दर्शन करेंगे। और आज हर एक खबर हर एक डेवलपमेंट पर हमारी नजर रहेगी। आज आपको कहीं नहीं जाना है। जो लोग आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक थे 23 तारीख के बाद से वो रामलला के नव्य भव्य मंदिर में उनके दर्शन कर पाएंगे, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है तो हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हर अपडेट चर्चा राम रंग में रंगी हुई जनता, देश हो या विदेश, सबकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल हम तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह अयोध्या में साज सज्जा की गई है। और खास बात यह है कि आज इस तरह की दिवाली मनाई जाएगी जिसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसी दिवाली जो है वो कभी नहीं देखी गई, क्योंकि जब श्री राम का आगमन अयोध्या में हुआ था रावण के संहार के बाद तो लोगों ने राम ज्योति जलाई थी, दीपक जलाए थे श्री राम के स्वागत के लिए। ऐसी ही राम ज्योति आज लोग अपने घरों में भी जलाएंगे और साथ ही अयोध्या भी उससे जगमग नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले साधु संतों का स्वागत किया है और उसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट क्या है वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, श्री अयोध्या धाम स्थित प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के नवीन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश दुनिया से पधार रहे पूज्य संतों और धर्माचार्यों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री अयोध्या धाम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति राम राज्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स हैं और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और हर ताजा खबर आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ धर्मगुरु एचएस रावत जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रावत जी आपका न्यूज 18 पर। अनुपम मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर से। हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा का। अनुपम, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां से क्या खबर आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे?
सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले अनुपम खेर यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने हनुमान गढ़ी के दर्शन किए और हम तस्वीरें दिखा दें, अभी मैसूर के राजा जो है वो यहां पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ यहां पर पहुंचे और दर्शन करने के लिए मैसूर के राजा इस वक्त अंदर गए हैं। हनुमान गढ़ी को कितनी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ सजाया गया है ये हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लोगों का लगातार जमावड़ा यहां पर बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से रामलला के जो दर्शन बंद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हनुमान गढ़ी के दर्शन है वो सुबह से ही लगातार चालू है, तो जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वो हनुमान गढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। और कैमरामैन से कहूंगा हरीश से मैं जरा आगे आकर के दिखाएं कि किस तरीके से हनुमान गढ़ी को देखिए देवता के साथ सजाया गया है और लगातार पूजा अर्चना वहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, फूलों को जरिए यहां पर सजावट की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हनुमान गढ़ी को सजाया गया है और मैसूर के राजा जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे अभी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर पूजा पाठ संपन्न कराई जा रही है। आप देख सकती हैं आस्था की जोश जो है यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा रहा है, लगातार वीवीआईपी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कई वीवीआईपी यहाँ पर आएंगे क्योंकि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने के लिए सबने इच्छा जताई है। ऐसे में तमाम वीवीआईपी अब कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अभी अनुपम खेर आए थे, उन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक दिन है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को धन्य पाता हूं, सौभाग्य पाता हूं कि इसका निमंत्रण मुझे मिला और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में समारोह में मैं यहां पर शामिल हो रहा के लिए आया हूं और हनुमान गढ़ी के उन्होंने यहां पर दर्शन किए, उसके बाद अब वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए यहां से निकले आस्था। बिल्कुल, और दिन भर हमें यही सिलसिला देखने को मिलने वाला है अनुपम, और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जो लोग राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे या जिनको आज के दिन अनुमति होगी वो भी हनुमानगढ़ी जरूर आएंगे। और आपके पास हम आगे भी लौटेंगे लेकिन रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमारे साथ हैं। निमिष, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो अनुष्ठान होते हैं या जो संस्कार किए जाते हैं मंदिर में, पूजा अभी क्या चल रहा होगा वहां पे? पहली बार रामलला जो हैं वो आज सोए हैं, उनको जो शय्यावासन करवाया गया नवे मंदिर में करवाया गया कल रात को, आज सुबह रामलला कब उठेंगे और उनको उठाने के समय लोरी सुनाई जाती है, पूरा लाड किया जाता है जैसे कि एक बच्चे का होता है, तो आज मंदिर में क्या हो रहा होगा? जी, पीसीआर निमिष की आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी संकेत जुड़े हुए हैं और वीवीआईपी मूवमेंट जहां पर हो रही है इस वक्त उनकी मौजूदगी वहां पे है। संकेत, क्या अपडेट? मीटर तक पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या की चाक चौबंद है। हम सुरक्षा के लिहाज से दिखाएंगे, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं ये 500 मीटर पहले ये यहाँ पर मुस्तैद हैं और उस देर में भी ये वाला रास्ता है ये भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ जो निमंत्रण है जिनको राम जन्मभूमि परिसर में जाने का, वही लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वही लोग आएंगे जाएंगे और जो तमाम कलाकार हैं आप देख सकते हैं अलग अलग जो ये यहाँ पर मौजूद हैं, ये सांस्कृतिक छटा भी अयोध्या की सीधे तौर पर नजर आ रही है। ये तमाम जो चाहे बुंदेलखंडी नृत्य हो, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो भी अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर जो विरासत है उसको इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर वो दिखा रहे हैं और लोग जो अंदर हैं उनको बाहर की तरफ किया जा रहा है कि ये एरिया पूरा खाली कराया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल जो प्रशासन जिस तरीके से सख्ती बरत रहा है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और घड़ी का इंतज़ार है वो कुछ ही क्षणों में आ जाएगी और पता नहीं दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, इतना इतना आनंद है कि वर्णन नहीं कर सकते।
थैंक यू। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजीव, देखिए आस्था, इस वक्त जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें जो तमाम देश की हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रामायणा होटल के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस होटल में रुके हुए हैं। वो भी बाहर निकल कर राम मंदिर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अनुपम खेर और अभी कुछ देर बाद रजनीकांत और हेमा मालिनी जैसे जो फिल्मी सितारे हैं वो भी इस होटल में रुके हुए हैं, वो भी राम मंदिर की ओर निकलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर चाहे एयरपोर्ट हो चाहे अयोध्या के जो तमाम होटल्स हैं वहां पर तमाम जो देश के चाहे उद्योगपति हों, फिल्मी सितारे हों, क्रिकेट जगत के सितारे हों, वो तमाम लोग अब निकलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक कर जो वीवीआईपीज हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और सीधे हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर कैसा लग रहा है? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 पर वो अयोध्या के एयरपोर्ट पर लैंड होंगे, तो ऐसे में जो अन्य अतिथि आए हैं उनको करीब एक घंटा पहले वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या क्या? आज बहुत ही शुभ दिन है हमारे आराध्य रामलला अपने भव्य मंदिर में पधारेंगे, उसके बाद लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। रोम रोम प्रफुल्लित है, पूरा वातावरण पूरे ब्रह्मांड में इस समय सब लोग जय श्री राम बोल रहे हैं और ये हम लोगों के जीवन काल में ये अविस्मरणीय पल हम लोगों को देखने के लिए मिले, इसलिए मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दंडवत प्रणाम करता हूं। वर्षों का संघर्ष रहा है सर और उसके 500 से अधिक वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है और ये सब प्रभु की कृपा है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। पाठक जी, एक बड़ा दिन है। बहुत बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, आज रामलला अपने भव्य मंदिर में पदार्पण करने वाले हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद बना कि वर्षों के संघर्ष के बाद आप देख सकते हैं कि ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना था कि वर्षों के संघर्ष के बाद आज प्रभु राम टाट से निकलकर अपने महल में जाएंगे, वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसको लेकर देश दुनिया के जो बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए राजीव, आम हो या खास सभी लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, इस वक्त हमारे बीच में धर्मगुरु एचएस रावत जी भी हैं। एचएस रावत जी, आज तो राम धुन का दिन है हर तरफ, वैसे तो जब अयोध्या में आप आएंगे हर कोई आपको सियाराम करके राम राम करके हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा, लेकिन आज तो जो भी मिल रहा है वो कुछ गुनगुना कर ही जा रहा है, तो मैं चाहूंगी आप भी कुछ हमारे दर्शकों को अगर सुनाना चाहें अपने अंदाज में। आज की जो शुरुआत होने वाली है जो मैं बताना चाहता हूं वो है वेद मंत्रों के माध्यम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुरुनी काक्षाय मंगलायो तन हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के साथ आस्था जी आज पूजा प्रारंभ सुबह 7 हुई होगी और उसके बाद जो हमारी पूजा की विधि है, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान विष्णु को इसमें याद करते हैं और यहाँ से पूजा की शुरुआत होती है और फिर जो हमारे 5 होते हैं उनका आह्वान करते हैं, इसके अंदर हम इंद्र देवता का आह्वान करेंगे और इसमें सबसे पहले जल तत्व जो सरयू नदी का जल वहाँ पे लिया होगा, गंगा नदी का जल लिया होगा, उनको आह्वान करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, जिसमें अयोध्या सबसे पहले आती है, जिसमें गंगा चय जमुना चय गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंध कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, यानी यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है और इसी का इंतजार है। आपको सभी को बताना चाहेंगे मेरे साथ जी बिल्कुल इसी सब के साथ, आपने तो पूरे विस्तार से पूजन विधि बता दी कि आज जो पूजा की शुरुआत हुई होगी वो कौन से मंत्र से हुई होगी। एक और खास बात है एचएस रावत जी, रामलला अपने सभी भाइयों के साथ अब स्थायी मंदिर में विराजमान हो गए हैं और कल रात तो उनका जो शैया वासन है वो भी यहीं पर किया गया है, तो रामलला क्योंकि वो तो बाल रूप है वो लल्ला है तो उनको उठाया सुलाया भी लोरी के साथ जाता है, उठाया भी उसी तरह जाता होगा,
तो वो रात भी खास थी जब अपने नवे मंदिर में गए, आज सुबह भी उनके लिए कितनी खास है जब वो अपनी आंखें अपने नवे और भव्य मंदिर में खोलेंगे। सा लोगों को अभी कहीं क्लियरिटी नहीं है, ये जो जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अभी तक के जो जो विग्रह है भगवान राम का जो लाल जो बाल रूप है वो तो हमने स्थापित कर दिया गर्भगृह में। आपने आपने वो वायरल देखा होगा, फोटो सारी की सारी आई है। तो जो अभी हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हमारी जो चल मूर्तियां होती हैं उनकी हो रही है, तो उनके साथ भी हो रहा है क्योंकि उनके जो पूरा परिवार है उसकी ये पूजा पाठ हो रही है। कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एचएस रावत जी, अब विस्तार से पूजन विधि पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और वो दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उस खबर के बाद उन्हें एहसास होगा कि प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी कितनी नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे जहां पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही वो राम मंदिर लैंड करेंगे। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में दिल्ली से रवाना होने वाले हैं और उसके बाद वो सीधा अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे जहां पर सीएम योगी उनका स्वागत करने पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही वो राम मंदिर जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, सुबह लगभग 8:30 के आसपास का ये वक्त और प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली से रवाना होने की ये खबर अपने आप में घड़ी को और नजदीक ला रही है क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 और 10:30 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। और बड़ी खबर वीवीआईपी मूवमेंट से भी जुड़ी हुई, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अयोध्या रवाना हो चुके हैं, अमिताभ बच्चन रवाना हो चुके हैं, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, विवेक ओबरॉय समेत तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अयोध्या रवाना हो गए हैं और इन सभी को निमंत्रण प्राप्त हुआ है। कंगना रनौत पहले से ही आ चुकी हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर पहले से ही आ चुके हैं और अब इन वीवीआईपीज की जो मूवमेंट है जल्दी अयोध्या में देखने को मिलने वाली है। जैकी श्रॉफ वो भी मुंबई से फ्लाइट ले चुके हैं, वो भी जल्द अयोध्या पहुंचेंगे और अमिताभ बच्चन से लेकर विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, विवेक ओबरॉय ये सभी लोग जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज अयोध्या की ये जो भूमि है जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, भारत से जुड़ा, श्री राम से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो विशिष्ट व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है और जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सभी आज राम मंदिर में बतौर अतिथि उस वक्त मौजूद होंगे जब ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। श्री राम मानते हैं सर, कितना बड़ा दिन, स्वर्णिम स्वर्णिम दिन कहेंगे आप। भगवान राम, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है आज, प्राण प्रतिष्ठा है आज भगवान राम। भगवान राम जी आज भारत के 140 करोड़ लोगों के अंदर समाये हुए हैं। कितना बड़ा दिन श्री राम मानते हैं सर, कितना बड़ा दिन, स्वर्णिम स्वर्णिम दिन कहेंगे आप। भगवान राम, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है आज, प्राण प्रतिष्ठा है आज भगवान राम। भगवान राम जी आज भारत के 140 करोड़ लोगों के अंदर पर पूरी तरह से श्री राममय संगीत गुंजायमान है। दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, राम ज्योति जलाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए लाखों दीयों को इकट्ठा भी से किया जा रहा है और बहुत जल्दी वॉलंटियर्स उनको यहाँ पर सजाने वाले हैं क्योंकि आज जो दिवाली मनाई जाएगी वो हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। ये दिवाली खास होगी क्योंकि रामलला पधार चुके होंगे। एच एस रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच एस रावत जी, एक दिवाली हम लोगों ने अभी अभी मनाई 2023 में, लेकिन 22 जनवरी 2023 की दिवाली, इसकी महिमा कितनी बड़ी है। देखिए आस्था जी, महिमा को वर्णन करना शब्दों में बड़े छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं
कि जो आज आप यहां पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहे हैं, उनको लुभा रहे हैं। सभी धर्मों के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या में ये क्या हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, सनातन धर्म इतना विशाल क्यों है, और ये दीप प्रज्वलन का विधान क्या है, ये दीप प्रज्वलित क्यों किए जाते हैं। तो मैं बस यहां पर, आपने जब दीप प्रज्वलन की बात कर दी है, तो मैं एक वेद मंत्र यहां पर बोलना चाहता हूं, जिससे कि पूरा वातावरण शुद्ध हो और पूरे विश्व में ये जाए आपके चैनल के माध्यम से। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर तुमे पापम दीप ज्योति नमो अस्तुते। यानी पूरे इस दीप प्रज्वलन से पूरे वर्ल्ड का कल्याण होता है। अग्नि बिल्कुल, और यही राम ज्योति जो है, इसी अंदाज में आप सभी लोगों को इतनी ही श्रद्धा के साथ आप अपने घर में भी जलानी है। जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए, लेकिन श्री राम आगमन है, दशरथ नंदन पधार रहे हैं, तो ये राम ज्योति आज शाम अपने घरों में आप जरूर प्रज्वलित करें। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। माँ कवरेज लगातार जारी है।